गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए, हम ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज कर रहे हैं और इसके अंदर जैसे कि मैंने बताया कि कृषि यूनिवर्सिटी वालों को के हिसाब से मैंने सिलेबस बनाया हुआ है, तो जो भी हरियाणा में कृषि यूनिवर्सिटी के अलावा एम डी यूनिवर्सिटी है और भी यूनिवर्सिटीज है, तो जिनको भी ऑपरेटिंग सिस्टम का सब्जेक्ट है दोस्तों, तो वो मेरे ट्यूटोरियल्स को फॉलो कर सकते हैं बिल्कुल। अब बात करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की, ये क्या होते हैं। देखिए, पहले क्या था कि एक चीज थी कि हम एक ही कंप्यूटर के साथ काफी सारे डिवाइसेस अटैच कर देते थे। एक कंपनी का एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि मान लीजिए कंपनी है, उसके पास एक ही प्रिंटर है और एक ही कंप्यूटर से अटैच है, ठीक है। अब क्या हुआ कि कंपनी के अंदर 500 लोग हैं, अब 500 में से समझ लीजिए कि 15 लोगों को प्रिंट आउट निकालना है, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, किसी डिवाइस के अंदर उस फाइल को लाएंगे और जिस कंप्यूटर पे वो प्रिंटर अटैच है दोस्तों, वहां जाएंगे और क्या करेंगे दोस्तों कि भाई लाइन में लग जाएंगे कि मुझे प्रिंट आउट निकालना है, उस सेकंड पेज को निकालना, तीसरे पेज, मतलब लाइन में लग जाएंगे। क्या हुआ, टाइम खराब हुआ और बेकाम में, मतलब जब टाइम खराब होता तो अपनी एक सर्विस ही खराब होती है, ठीक है। तो वहां पे उसके बाद एक कंसेप्ट सामने आया डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का। इसके अंदर हमने क्या किया कि मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर लगा दिए, ठीक है। यहाँ पे प्रोसेसर का मतलब है कोई डिवाइस या कोई कंप्यूटर, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे प्रोसेसर का मतलब वो नहीं है जो हम सीपीयू की बात कर रहे हैं, हम प्रोसेसर यहाँ पे वो चीज है, डिवाइस से हो गए, कोई कंप्यूटर, लैपटॉप, कोई और भी चीज लगा लीजिए, वो लगा दी है, ठीक है। और बेसिकली ये रियल टाइम में वर्क करते हैं, मल्टीपल रियल टाइम में जो चीज को चाहिए ना चीजें, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, इस पे वर्क करते हैं। इनका काम क्या होता है, डेटा प्रोसेसिंग का ही काम होता है, बट किस वे में, देखिए इसमें तो सबसे पहले हमने डिफरेंट जो मल्टीप्रोसेसर है डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना है किसी एक पर्टिकुलर चीज से, या आपस में जैसे मर्जी कर सकते हैं, नेटवर्किंग का कंसेप्ट है। बात है कि ये सब मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। दूसरी बात कि ये किस चीज से जुड़े होते हैं, ये हाई स्पीड बसेस से जुड़े होते हैं, टेलीफोन लाइन से जुड़े होते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर इसको हम क्या कहते हैं, जब ये हमारी ऐसी हाई बसेस या टेलीफोन लाइन से जुड़े होते हैं, हम कहते हैं लूजली कपल्ड सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, हमने मल्टीपल प्रोसेसेस में क्या हुआ कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या करता है, मल्टीपल प्रोसेसर को यूज करता है ताकि वो मल्टीपल रियल टाइम सिस्टम एप्लीकेशंस को यूज करके अपने जो मल्टीपल यूजर्स है उसको अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सके, ठीक है। दूसरी चीज जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि अब इसमें क्या होगा कि अब कंपनी ने अपना नेटवर्क किस तरीके से बना लिया, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के हिसाब से बना लिया। तो उसने क्या किया कि प्रिंटर एक ही है और एक ही कंप्यूटर अटैच है, बट जो दो अब 10 लोगों को प्रिंट आउट निकालने थे ना, अब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्या होगा कि वो अपने ही कंप्यूटर से कमांड देंगे और वो प्रिंट आउट जाके उस प्रिंटर पर निकल जाएगा, ठीक है। तो वो इस सिस्टम को इस तरीके से बनाया हुआ है। पहले क्या था दोस्तों, जाना पड़ता था और वहां पे जाके मतलब अलग से लाइन में खड़े हो जाओ, फिर डिवाइस अपने जिसमें आप फाइल लाए हो उसको आप अटैच करो कंप्यूटर से और उसको फिर निकालो, बट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में ये चीज खत्म हो गई। मतलब आप मल्टीपल रिसोर्सेज को एक ही जगह बैठ के, मतलब डिफरेंट रिसोर्सेज से कनेक्ट करके, कम्युनिकेट करके अपनी चीजों को, अपने टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये चीज थी हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब इसके अंदर ये देख लीजिए कि इसके फायदे क्या है, ठीक है। इसके फायदे क्या है दोस्तों, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। सबसे पहला क्या, रिसोर्स शेयरिंग, जैसे मैंने बताया कि एक ही चीज है वो शेयर हो जाती है, चाहे कंपनी में एक कंप्यूटर हो, दो हो, चार हो, बट वो समझ लीजिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से हर कंप्यूटर उसे, हर डिवाइस यूज कर सकता है। तो रिसोर्सेज क्या होगी, कम यूज करने पड़े, कंपनी को कम खरीदने पड़े, ठीक है, और सब में शेयर हो गए, सबसे बड़ी बात। एक्सचेंज ऑफ डेटा बाय ईमेल, अब कोई हमें डेटा चेंज एक्सचेंज करना है तो हर एक कंपनी में जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बनाते हैं, हम बाय ईमेल का मतलब वो नहीं है कि गूगल की आईडी बना ली, याहू की बना ली, हॉटमेल की बना ली और डेटा शेयर कर रहे हैं। देखिए, अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑप्शन होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम ईमेल बना सकते हैं, तो एक सॉफ्टवेयर होता है, मुझे भी अभी एग्जैक्टली उसका नाम नहीं पता, पर जिनको पता है वो समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कि वो इंटरनली प्रोसेसिंग में काम आता है अपना डेटा ट्रांसफर करने में, ठीक है ना। तो उसे मतलब उसमें भी मेल का ही कंसेप्ट होता है, बट माइक्रोसॉफ्ट ने हमें वो फीचर प्रोवाइड किया हुआ है, तो उसकी हेल्प से हम अपना डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी, तीसरा पॉइंट है हमारे पास, वन फेल अदर वर्क्स। अब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा यही है कि एक डिवाइस खराब हो जाए तो दूसरा वर्क करता है। देखिए, पहले मैं कहता कि अगर वो प्रिंटर खराब होता सपोज कीजिए, तो उन 10 लोगों को तो भैया फिर मतलब बैठना पड़ जाता, अपना काम रुक जाता। बट इस वाले में क्या होगा कि भाई कोई एक डिवाइस खराब हो गया, कंप्यूटर मतलब आप यहाँ पे एक से ज्यादा प्रिंटर लगे हुए हैं, एक खराब हो गया कोई बात नहीं, दूसरा काम करेगा। एक कंप्यूटर खराब हो गया कोई बात नहीं, दूसरा काम करेगा, दूसरा खराब हुआ तीसरा करेगा।
क्योंकि ये सारे आपस में इस तरीके से कनेक्टेड है कि वो रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, ठीक है, और टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। अब चौथा पॉइंट इसके अंदर मैंने डाला हुआ है बेटर सर्विस टू द कस्टमर। देखिए जब सारी चीजें जुड़ी हुई आपस में, तो ये तो नहीं है कि मुझे कोई फाइल लेने के लिए दूसरे के पास जाना पड़ेगा या किसी को अपना टास्क देने के लिए आगे जाना पड़ेगा। क्या हुआ कि बाय ईमेल डेटा ट्रांसफर हो गया, ठीक है दोस्तों, रिसोर्सेज शेयर हो गई। अब ये चीज़ें जब शेयर हो सकती है तो हम अपनी सर्विस को क्या बेटर वे में कस्टमर को दे सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिडक्शन ऑफ द लोड ऑन द होस्ट कंप्यूटर। होस्ट कंप्यूटर समझ लीजिए कि एक ही कंप्यूटर के ऊपर जो होता है ना लोड जो होता है कम हो गया है, ठीक है। कैसे कम हो गया, वही जैसे प्रिंटर का एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ कि भाई प्रिंटर के ऊपर पहले लोड ये था कि सारे लाइन में खड़े हो गए थे, चले जा रहा है ये सब, मतलब कंप्यूटर से टच करो, फिर ये करो, फिर वो करो, वो लोड कम हो गया, शेयर हो गया, किसी ने वहां से सेंड किया, किसी ने वहां से किया, सिस्टम ने अपने आप उसको मैनेज किया, उसके प्रिंट आउट निकाल के उसे दे दिए। इसके अलावा प्रिंट आउट के अलावा 500 एग्जांपल है, जब कंपनीज में काम करोगे आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा क्या होता है, रिडक्शन ऑफ डिलेज इन डेटा प्रोसेसिंग। अब कोई टास्क करने में भी दोस्तों टाइम कम हो गया है, क्योंकि डिले जो होती थी पहले कि भाई अब जैसे प्रिंटर के लिए मैंने बताया कि प्रिंटर के लिए जाना पड़ा, उसे लाइन में खड़ा होना पड़ा, सब करना पड़ा, तो टास्क में डिले हुई कि प्रिंट आउट निकालने के उसे पता नहीं उसे आगे फॉरवर्ड करने हो स्कैनिंग के लिए या किसी चीज़ के लिए, तो वो चीज़ कम होगी ना दोस्तों। इसमें क्या हुआ, रिडक्शन ऑफ डिले इन डेटा प्रोसेसिंग। एक टास्क को लगाने में, किसी टास्क डेटा प्रोसेसिंग में कोई जो भी हम करना चाहते हैं उसमें हमारा क्या हुआ, एक डिले था जो वो कम हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम करेंगे कि मेथडोलॉजीज फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार टॉपिक, जैसे कि हम रियल सिस्टम के बाद दोस्तों एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कर चुके हैं, ठीक है, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम करेंगे दोस्तों मेथडोलॉजीज फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जिसके अंदर क्या है दोस्तों, सिस्टम कॉल्स, सिस्टम प्रोग्राम्स और इंटरप्ट मैकेनिज्म। ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ लीजिए एक ही है, इसके तीन पार्ट है, इंटरप्ट मैकेनिज्म, सिस्टम और सिस्टम प्रोग्राम्स और सिस्टम कॉल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम सिस्टम कॉल्स को देखेंगे। प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय।